नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीष्म है और जैसा कि इस वक्त हम कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक और सिंपल और साधारण सा पर्पस मेरा यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं आप सब लोगों को अवेयर कर सकूं, आप सब लोगों को जागरूक कर सकूं। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत और अपने फिटनेस का ध्यान रखते हुए आप में से हर एक इंसान इस कोरोना को मात दे सकता है। और इस जंग के अंदर मैं खुद भी चाहता हूँ कि हम सब लोग एकजुट होकर के लड़ें, एक साथ मिलकर के लड़ें और इस कोरोना को हम हरा दें। ऐसा संभव है, लेकिन अभी इस टॉपिक पे अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या कारण है और क्या वजह है जिसकी वजह से आज हमारे देश में लोग ऑक्सीजन के अभाव में बहुत सारे लोग डेथ को प्राप्त हो रहे हैं। अभी पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है एंड ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में मदद मिलेगी। अब आपको और मुझे एक बात को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बेसिक सी बातचीत करेंगे जिससे मेरे वीडियो से आपको सब लोगों को समझने को मिले आसान शब्दों में, आसान भाषा में, और आप इसको अप्लाई कर सकें और महसूस कर सकें। पहले तो ये सोचिए कि क्यों हमारा देश का जो भी गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, क्यों हमें ये बार बार बोल रहे हैं घर पर रहिए। क्यों पुलिस कर्मचारी इस बात को कह रहे हैं कि बार बार मैसेज दे रहे हैं कि आप सब लोग घर पर रहिए, अगर काम नहीं है तो बाहर मत निकलिए, अपने आप को अपने परिवार को बचाने का प्रयास करिए। क्यों डॉक्टर्स हमें ये सलाह दे रहे हैं, क्यों साइंटिस्ट हमें ये सलाह दे रहे हैं, क्यों दुनिया भर के लोग इस बात पे जोर दे रहे हैं स्टे होम स्टे होम स्टे होम, आप अपने घर पे रुकिए, उसके पीछे का रीज़न क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, क्योंकि उसी के अभाव में और उसी की कमी में हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहुत सारे चहेते लोगों को खो दे रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे चीज़ों को मैंने देखा, सुना, महसूस किया एंड बहुत तकलीफ़ हुई। तकलीफ़ इस बात की हुई कि डॉक्टर्स हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान दीजिए। हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल्स में हमारे पास वो सुविधा नहीं है कि जहाँ पर हम आपको टेक केयर कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में हमारे पास कुछ भी नहीं है। एंड ज़रूरी चीज़ क्या है फिर कि एक इंसानियत के नाते ये आपका मेरा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा जागरूक होते हैं या होएंगे, ये जागरूकता ही आपकी और मेरी बचाव है। तो अभी अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जो साइंस इस बात को कहता है कि एक दिन के अंदर 500 से 550 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को है। अब जरा सा समझिए, जब आप और मैं बाहर निकल रहे होते हैं तो मुंह पे हम मास्क लगा के निकलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप और मैं मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो हमारे नाक के माध्यम से डायरेक्ट जाना चाहिए वो फेफड़ों को कम मिल पाता है। फॉर द एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि अगर आपका 2-3 घंटे का बाहर का काम है पूरे दिन के अंदर, तो 500 की बजाय आप 300-350 लीटर ऑक्सीजन ही ले पाते हैं। अब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आप समझिए ऑक्सीजन अगर लेवल कम होगा तो आपका और आपके फेफड़ों का क्या होने वाला है। तो पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जब आप घर में हैं तो जाहिर सी बात है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, अननेसेसरी बाहर नहीं निकल सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी इंसान को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, और आप होम आइसोलेशन का पूरा भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते भी हैं, जिसकी वजह से आपको कोविड का रिस्क बहुत हद तक कम रहता है और साथ ही साथ आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ऑक्सीजन का लेवल सही रहता है, आप ऑक्सीजन को इनटेक बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो पहले इस बात को समझिए कि दुनिया में सब लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं बार बार, घर पे रहिए घर पे रहिए घर पे रहिए। कमाल की बात है, इससे पहले की वीडियो में मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं, दिल्ली का एक क्लिप है, मेरे फ्रेंड ने भेजा था। एक व्यक्ति है जो जाके फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले सकता है, लेकिन उसके साथ उसके वाइफ भी हैं, उसके माता पिता भी हैं, चार लोग जा रहे हैं, क्या ज़रूरत क्या है। अगर ज़िंदगी रहेगी, जान है, तभी जहान है, इस बात को समझिए मेरे दोस्तों। अगर आप ज़िंदा हैं तभी तो इस मार्केट का या बाकी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। हमें अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। आपका मेरा समाज, सोसाइटी, हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आप अपने आप को बचाने के लिए सक्षम नहीं है, कारगर नहीं है, तो वो लोग हमें क्या बचाएंगे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। इसलिए अगर नहीं ज़रूरत है, इवन आपकी ज़रूरत भी अगर बंद हो सकती है, ये मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, तो आप अपने आप को रोकिए अपने घर के अंदर ताकि आप ऑक्सीजन के लेवल को बेहतर मेंटेन कर पाएँ। ये एक बात रही। दूसरी बात, कई बार हमें समझने की ज़रूरत है, मैं आपको समझने के तौर पे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बीइंग ए हेल्थ कोच मैं लोगों को सेहत के बारे में गाइडेंस दे रहा हूँ। पिछले 10 साल से
मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ जहाँ पे लोगों को खाने पीने की, उनके डाइट काउंसलिंग की और उनके फिटनेस के ऊपर काम करने का मैं काम करता हूँ। और मेरा ये प्रयास होता है कि कोई भी इंसान बीमार ना हो, कोई भी इंसान बीमारी से ना मरे। पिछले 10 साल से मैं और मेरा पूरा परिवार, डॉक्टर विजिट कुछ नहीं हुई है, हम लोग बीमारियों से दूर हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड रूटीन हैबिट्स एंड स्लीपिंग हैबिट्स, दैट्स इट। यही आपको भी करने की ज़रूरत है। सो पहला ऑक्सीजन, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हम सिर्फ नाक से ही ऑक्सीजन नहीं लेते, ऐसा मुझे लगता है कि हम सब लोग जो है कि ऑक्सीजन, ऐसा मुझे लगता है कि हम सब लोग ऑक्सीजन अपने सिर्फ नाक से नहीं लेते, आपके जितने भी जॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जॉइंट्स आपके ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, लेकिन उनके बीच में सही मात्रा का गैप होना चाहिए। जब आपका वज़न बढ़ता है तो आपके जॉइंट्स काम नहीं करते, उन जॉइंट्स को जकड़ा जाता है फैट के मामले में, चर्बी के माध्यम से, जिसकी वजह से आपका शरीर सही मात्रा में खुल के ऑक्सीजन नहीं ले पाता। क्यों हम आपको या लोगों को ये रेकमेंड करते हैं, नंबर वन, 80% आपका डाइट आपको बचाएगा इस कोविड से, 20% आपका रूटीन, आपका एक्सरसाइज, आपका लाइफ स्टाइल बचाएगा इस कोविड से। ये दोनों चीज़ों को अगर हम जोड़ते हैं, 80% न्यूट्रिशन डाइट एंड 20% फिजिकल एक्टिविटी, 100% आपको रिस्पॉन्स मिलता है। और उस 100% रिस्पॉन्स का फ़ायदा क्या मिलेगा, आप अपने परिवार के साथ रहने वाले, ज़िंदगी भर उनका साथ, आपका साथ होने वाला है, आप और आपका परिवार कोविड पॉजिटिव होने से बचेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें हो रही, हम ऑक्सीजन के सिलेंडर के पीछे भाग रहे हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, हम एक दूसरे पर बहुत सारे उंगलियाँ उठा रहे हैं। अपने आप पर एक बार उंगली उठा के देखिए, आप कर क्या रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या प्रॉब्लम है। तो पहला चीज़ आपका अपने से आंसर निकल के आएगा, हाँ यार मेरा वेट सही नहीं है, मेरा वजन सही नहीं है, मेरे पूरे शरीर पे चर्बी है, मेरा ईटिंग हैबिट सही नहीं है, अननेसेसरी का मैं खाना खा रहा हूँ, चाय बहुत पी रहा हूँ, फास्ट फूड बहुत खा रहा हूँ, बहुत सारा ब्रेड से बनी चीज़ें खा रहा हूँ, बहुत सारे बिस्किट्स, नमकीन, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आप समझिए इसमें से कौन सा खाना है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, नहीं बढ़ा सकता। और जब वो नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे खाने का चुनाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके ब्रेन से होता है, आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। आपका ब्रेन आपको मैसेज देता है कि आप कैसी ज़िंदगी जीने वाले हैं, आपका ब्रेन आपको पॉजिटिव या निगेटिव करता है, सब कुछ आपके ब्रेन से होता है। सबसे पहले आप बीमार अपने ब्रेन से पढ़ते हैं। सो इसका ध्यान बहुत ज़रूरी देना आपको, मुझे, दुनिया में हर एक इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक हेल्थ कोच की। एक हेल्थ कोच आपके दिमाग पे काम करता है, एक हेल्थ कोच आपके शरीर पे काम करता है, एक हेल्थ कोच आपकी पूरी फैमिली को बचाने का काम करता है। सो आपको ध्यान ये बहुत ज़रूरी है देना, सिर्फ बात ऑक्सीजन की नहीं है, या बात सिर्फ कोविड-19 का नहीं, बात सिर्फ कोरोना वायरस का नहीं, बात यह है कि ज़िंदगी भर आप जब तक जिए तब तक कैसे सेहत में रहें। आप ये प्रयास करिए कि आप किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन ना लें, ना ही शुगर का, ना ही बीपी का, ना ही थायराइड का, ना ही कोलेस्ट्रॉल का, ना ही अर्थराइटिस का, ना ही माइग्रेन का, बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन इन सारी बीमारियों के होने के पीछे का कारण क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब लोगों का खाना है। तो मिलजुल करके क्यों ना हम अपना खाना ठीक करें, क्यों ना हम अपना रूटीन ठीक करें सबसे पहले, क्यों ना हम अपना लाइफ स्टाइल ठीक करें सबसे पहले, मिलजुल करके क्यों ना हम अपने परिवार के अंदर एक कल्चर डेवलप करें, एंड वो कल्चर का टैगलाइन रखिए, आपका पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा संसार, पूरा सोसाइटी हेल्दी होना चाहिए। लोगों को मैसेज दीजिए, हम बहुत सारे गलत गलत न्यूज़ और बहुत सारे लड़ाई झगड़े, पॉलिटिक्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ों पे बात करते हैं। जस्ट टॉक अबाउट गुड हेल्थ, जस्ट टॉक अबाउट ह्यूमन हेल्थ, जस्ट टॉक अबाउट कि किस तरीके से आप और मैं बीमार होने से बचेंगे। इसको सोचिए ज़रूर, आपको समझ में आएगा।